सम्मानित मंच, उपस्थित बहुत सारे भाइयों बहनों, दो बातें होती हैं राजनीति में, व्यापार नहीं है, ये सेवा। और सेवा जब आप करते हैं तो कुछ न कुछ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करते हैं, पैसे के लिए नहीं। अब ये दोनों प्रत्याशी एक कांग्रेस के हैं, एक निर्दलीय हैं, एक ड्राइवर थे और एक दारू की दुकान में सेल्समैन थे। गलत तो नहीं कह रहा हूं, नहीं ठेका तो वो पहले ले चुके थे, उसके बाद में हुआ ठेके में और में काम में सहयोग नहीं, जीमने में भी सहयोग नहीं। और यहीं का पैसा यहीं पे लूटा, चाहे किसी के बद्दी बांध के लूटा हो, चाहे किसी फैक्ट्री में ठेके लेके किया हो, लेकिन ये यहां आकर गांव में और शहर में जब घूमा तब पता लगा कि राजनीति का एक विकृत रूप ऐसा भी हो सकता है, ये हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा। मैं भी 40 वर्षों से राजनीति में हूं, लेकिन कभी सपने में भी ऐसी गणित नहीं देखे। खैर एक बात बता दूं, चुनाव तो कुंभ का मेला नहीं है, ये तो हर 5 साल आता है, लेकिन रावण तो एक बार ही मरा था। रावण को तो मारने के लिए राम को अवतार लेना ही पड़ा। और उत्तर प्रदेश का राज कैसा है, एक बाबा जी राज कर रहे, मुख्यमंत्री हुआ 70 वर्षों में, जितने भी मुख्यमंत्री हुए उत्तर प्रदेश में वो गुंडागर्दी खत्म नहीं कर सके और बाबा जी ने खत्म करी, बुलडोजर बाबा कहते हैं। इस बार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बुलडोजर सरकार बनेगी, कमजोर सरकार नहीं होगी। अतीक अहमद ऐसे छोटे मोटे यहां पे भी जो पनपने लगे हैं, ऐसा मल्लम लगाएंगे कि वो याद रहेंगे, अगले पुस्तक याद रहेगी। किस बात के लिए गुंडा पनपने दे, सिर्फ इसलिए कि वो बच्चों को गुमराह कर सकते हैं शराब पिलाकर, या गांव को खाना खिलाकर। मैं तो वो हूं, ना खाऊं ना खावा दूं कोई। 25 तारीख आएगी निकल जाएगी, काउंटिंग जिस दिन होगी उसके 48 घंटे के अंदर यहाँ पे जो भी गड़बड़ करके गए हैं कल, उनका पुराना रिकॉर्ड निकलवा लूंगा, और अगर हिस्ट्री शीट खुलवानी होगी तो वो भी निश्चित रूप से खुलेगा। हमने माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब से सब ये राज करना सीखा है। गरीब को गणेश मानकर हाथ जोड़कर चलोगे, उसको पहले खजाने पर हाथ उसका मानोगे, तब जाकर जनता आशीर्वाद देती है, ऐसे नहीं। लेकिन यहाँ पे खेल दूसरा ही देखा, तो हमारे को पता नहीं पार्टी ने इसलिए भेजा है कि इस खेल को आपको खत्म करना है। भगवान राम को भी अवतार लेना पड़ा। मैं तो वहां पे वास्तव में आपको कह दूं, विद्याधर नगर में मेरे को चुनाव में प्रचार करने की आवश्यकता नहीं थी, अच्छे वोटों से जीत पा। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने कहा नहीं, आपको चित्तौड़ से लड़ना है। अब ये देखा होगा यहाँ का इनका खेल, उसके बाद में कहा है मुझे पता नहीं। वो तो जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अपने आप जैसे भैंस बीमार होती है ना, मरने लगती है तो चींचड़ छोड़ छोड़ कर उससे मरने से पहले भागते है ना। वो बिल्कुल यहाँ पे ऐसी शांति कायम होगी कि रोज रामलीला करो जाए फिर भी कोई व्यवधान डालने वाला नहीं आएगा। आप लोग इतने संख्या में चारों गांवों से पधार कर यहां पे पधारे, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरे को पहले कार्यक्रम का पता ही नहीं था,
सुबह निकल गए थे 8 बजे, एक संत है उनको समय वहां पे वो बैठे हैं बाबा जी, वो नगरी में विराजते हैं और अभी राजसमंद से आए, इसलिए मैं जाना चाह रहा हूँ, आपसे इजाजत लेता हूँ। आप अपना काम ये सभा जारी रखना चाहें जारी रखें, लेकिन ये विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं होने दूंगा, चाहे मैं जयपुर में बैठा हूँ नहीं, यहाँ पे कांग्रेस की तो छाती पे मूंग दलने के लिए मैं आया हूँ और 5 साल तक दलूंगा। कांग्रेस मुक्त चित्तौड़गढ़ करके जाऊंगा, गुंडा मुक्त चित्तौड़गढ़ करके जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।